हमारे जो मुख्य अतिथि क्या नाम है अध्यक्ष हैं भाई एम कुमार, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर के और मोमेंटो दे करके अपने मेहमानों का अभिनंदन करें। एम कुमार साहब, अब शाहिद इकबाल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो डीआईजी साहब को साल भेंट करें और मोमेंटो मोमेंटो जो है जनाब एम कुमार साहब। अब मैं कहूंगा कि शाहिद इकबाल साहब आप डीआईजी साहब को साल भेंट करें और एम कुमार साहब मेमेंटो देकर के उनको सम्मानित करें और जिसके लिए आज पूरी भीड़ आई हुई है जो हिंदुस्तान का एक बड़ा नाम जिसको हम कुमार विश्वास के नाम से जानते हैं, मैं गुजारिश करूंगा शाहिद इकबाल साहब से कि उनको भी साल दे करके उनको सम्मानित करें और एम कुमार साहब उनको मेमोरेंडम देंगे। हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि जो मुख्य अतिथि लोगों का अपना इंतजार कर रहे थे, मैं उनका बारी बारी से नाम ले रहा हूं, कृपया वो मंच पर आने का कष्ट करेंगे और एम कुमार साहब और शाहिद इकबाल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि उन लोगों को माला पहना करके सम्मानित करेंगे। सबसे पहले नाम जो मेरा है वो भाई प्रदीप सिंह जो हमारे पूर्व विधायक हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आवें। श्री शंभू तिवारी जी जो हमारे प्रखंड के प्रमुख हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी मंच पर आ जाएं। डॉक्टर एन एन शाही जो हमारे जिला के सबसे बड़े चिकित्सक और वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे जिला के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं। शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा जो किसान के अध्यक्ष हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी मंच पर आवें। अनिल झा जी जो हमारे जदयू के प्रवक्ता हैं, मैं आपसे भी कोशिश कर अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आवें। श्री परमानंद ठाकुर जी जो हमारे अभिभावक हैं और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में उनका काफी योगदान रहा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं। और उसके बाद जो नाम है मेरे पास भीषम सहनी जो बगहां से चल करके आए हैं, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं। हमारे पार्टी के जिला के वरिष्ठ साथी हैं शंभू पांडे जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी मंच पर आवें। राजन मिश्रा जी, आपसे भी गुजारिश है कि आप मंच पर आ जाएं। और एक नाम जो पूर्वी चंपारण से चल करके हमारे छोटे भाई रतन कुमार जी जो हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं। मेहमानों का सिलसिला हम यही रोकते हैं मंच पर आने का। अभी सूचना मिली कि एक बड़ा नाम जिसको पोस्टरों में भी आपने देखा है वसीम बरेलवी साहब का, वो भी हमारे बीच में मौजूद है, जो उत्तर प्रदेश में हमारे विधान पार्षद भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। जनाब वसीम बरेलवी साहब, शाहिद इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वसीम बरेलवी साहब को साल भेंट करें और मेमेंटो दे करके कर एम कुमार साहब उनको सम्मानित करें।
मैं सबसे पहले हो गया धोबनी का मुन्ना पांडे जी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आवे और शाहिद इकबाल साहब उनको साल ओढ़ा करके आप सम्मानित करें। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के तीन ऐसा नाम है जो दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। मैं बारी बारी से उन लोगों का नाम ले रहा हूं, अमानुल्लाह साहब, मोतीलाल बैठा जी और संदेश दुबे जी। आप तीनों आदमी से गुजारिश है कि आप लोग मंच पर आवें और कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं जनाब एम कुमार साहब, उन्हें माला पहना करके उनको सम्मानित करेंगे। अमानुल भाई, आप लोग थोड़ा तालियों से कम इन लोगों का इस्तकबाल करें, है ना। ये लोग बड़ी दिन रात मेहनत करके आपको यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। अब मैं सीधे ये मंच जो है अपने सुनील कुमार तंग जी को हवाले करता हूँ कि बजाबते हैं यहाँ से मुशायरे का आगाज आप करें। सुनील कुमार तंग जी,